हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यूकेजी में बच्चों को 1 टू 10 तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। शुरू में तो उन्हें पिक्चर एडिशन सिखाते हैं, जिसे वे आसानी से कर लेते हैं, और उसके बाद उन्हें नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। आजकल स्कूल्स में मेंटल मैथ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेंटल मैथ मीन्स टू से कि उन्हें बिना पेपर पेंसिल के मैथ सॉल्व करना सिखाते हैं। आज मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को जिस मेथड से बताने वाली हूँ, उसमें विदाउट पेपर पेंसिल वे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। साथ ही इसी मेथड से वे आगे कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले एडिशन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3। तो इसमें बच्चों को हम इस तरह से बताएंगे कि ऊपर वाले नंबर को माइंड में रखना है और नीचे वाले नंबर को फिंगर पर काउंट करना है। जैसे उन्हें इस तरह से बताएंगे, 4 इन माइंड, 3 इन फिंगर। वे राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 4 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड के फिंगर पर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। वे इस तरह से करते हैं तो भी ठीक है, या वे इस तरह से करते हैं 1 2 3 तो भी ठीक है। तो 4 इन माइंड, 3 इन फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 4 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड पर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। 4 5 6 7, आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 + 2। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 9 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड पर 2 काउंट करेंगे, 1 2। तो 9 इन माइंड, 2 इन फिंगर, 9 10 11, आंसर इज 11। नेक्स्ट है 8 + 4। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, वे राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 8 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड पर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 8 इन माइंड, 4 इन फिंगर, 8 9 10 11 12, आंसर इज 12। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को बताएंगे कि माइनस हमेशा बैकवर्ड काउंट करके करना है। एलकेजी में बच्चों को 50 to 1 तक बैकवर्ड काउंट सिखा दिया जाता है, इसलिए यूकेजी में उन्हें बैकवर्ड काउंट करके माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें भी बच्चों को इसी तरह से बताना है कि 7 को माइंड में रखना है और 3 को फिंगर पर काउंट करना है। वे राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड की साइड में रखकर बोलेंगे 7 इन माइंड, एंड फिंगर पर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। 7 इन माइंड, 3 इन फिंगर, 7, और इसे बैकवर्ड काउंट करके माइनस करना है, 7 6 5 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट है 8 - 4। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, 8 इन माइंड, 4 इन फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 8 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड पर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो 8 इन माइंड, 4 इन फिंगर, और बैकवर्ड काउंट करके माइनस करेंगे, 8 7 6 5 4, आंसर इज 4। नेक्स्ट है 10 - 5। इसमें भी इसी तरह करेंगे, 10 इन माइंड, 5 इन फिंगर, राइट हैंड के फिंगर को फोरहेड के साइड में रखकर बोलेंगे 10 इन माइंड, एंड लेफ्ट हैंड पर 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद बैकवर्ड काउंट करके माइनस करेंगे, 10 9 8 7 6 5, आंसर इज 5। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाने का सबसे इजी मेथड। बच्चों को लाइन खींचकर या सर्कल ड्रॉ करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना मत सिखाइए, क्योंकि इससे वे छोटे नंबर्स वाले एडिशन तो कर लेंगे, लेकिन आगे चल के वे कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन उससे नहीं कर पाएंगे। इस मेथड से वे आगे कैरी फॉरवर्ड वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।